नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। और आज के क्रिकेट लाइन गुरु के सेगमेंट प्री मैच एनालिसिस में हम कवर करने वाले हैं दी 100 के 11th मैच को, जो कि खेला जाएगा लंदन स्प्रिट वर्सेस सदर्न ब्रेव के बीच में। वेल, आपको बता दें कि ये जो 11th मैच है दी 100 का, लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा 8 अगस्त को रात 11 बजे। यहां के पिच रिपोर्ट पर नजर डालें तो अभी इस सीजन जो है दी 100 का एक ही मुकाबला इस पिच पर खेला गया है, जिसे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था। कंपैरिजन की बात करें तो लंदन स्प्रिट और सदर्न ब्रेव के बीच में दोस्तों दो मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक एक मुकाबला दोनों टीमों ने अपने नाम किया है। लेकिन यहां पर 11th मैच में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो इसके लिए लंदन स्प्रिट की सबसे पहले आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता देते हैं, जिसमें कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि इसमें शामिल रह सकते हैं। तो यहां पर जो खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं उनके नाम है एडम रॉसिंगटन, जैक ट्रॉली, डेनियल लॉरेंस, मैथ्यू वेड, डेरिल मिचेल, रवि पोपारा, मैथ्यू क्रिशले, जॉर्डन थॉमसन, लियम डॉसन, नेथन एलिस और डेनियल वॉरिस। तो दोस्तों ये 11 खिलाड़ी होंगे जो कि हमें नजर आ सकते हैं सदर्न ब्रेव के खिलाफ भिड़ते हुए। अब की प्लेयर्स की अगर बात करें तो डेनियल लॉरेंस का नाम हमने शामिल किया है की प्लेयर्स की लिस्ट में, जिन्होंने एक मुकाबला खेलते हुए 24 रन बनाए हैं। अगला नाम है एडम रॉसिंगटन का, जिन्होंने एक मुकाबला खेलते हुए 39 रन बनाए हैं। मैथ्यू वेड की अगर बात करें तो 37 रन उन्होंने बनाए हैं पहले मुकाबले में। तो दोस्तों गेंदबाजों की लिस्ट में हमने डेनियल का नाम शामिल किया है, जिन्होंने 3 विकेट निकाले हैं दो मुकाबले खेलते हुए। इनके अलावा जॉर्डन थॉमसन ने 2 मैचेस में 2 विकेट लिए हैं। नेथन एलिस की अगर बात करें तो उन्होंने भी 2 मैचेस खेलते हुए 2 विकेट अपने नाम किए हैं। और आखिरी नाम है रवि बोपारा का, जिन्होंने 2 मुकाबलों में 2 विकेट अपने नाम किए हैं। तो ये तो हो गई लंदन स्प्रिट की बात, लेकिन अब बात करते हैं सदर्न ब्रेव की दोस्तों। तो यहां पर उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, चलिए आपको बताते हैं। तो यहां पर जो खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं उनके नाम है फिन एलन, डिवॉन कॉनवे, जेम्स फिंस, जो वेदरली, ल्यूस डुप्ले, टिम डेविड, जॉर्ज कार्टन, जेम्स फ्यूलर, रेहान अहमद। आपको बता दें कि रेहान अहमद की जगह पर यहां पर क्रिस जॉर्डन को भी शामिल किया जा सकता है। तो देखना होगा कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों में से किसे यहां पर जगह मिलने वाली है। इनके अलावा क्रैक ओवरटन है और आखिरी नाम है ताइमल मील्स का। अब बात करते हैं सदर्न ब्रेव के की प्लेयर्स की दोस्तों। तो फिन एलन है, जिन्होंने 3 मैचेस खेलते हुए 59 रन बनाए हैं। ल्यूस डुप्ले की बात करें तो 3 मैचेस में उन्होंने 75 रन बनाए हैं। इनके अलावा बल्लेबाजों की बात करें तो यहां पर टिम डेविड है, जिन्होंने 47 रन बनाए हैं 3 मैचेस खेलते हुए। इनके अलावा दोस्तों क्रिस जॉर्डन को अगर प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो यहां पर वो एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं इस सीजन और 92 रन बनाए हैं, साथ ही साथ अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाते हुए 3 विकेट भी अपने नाम किए हैं। इनके अलावा जो गेंदबाजों की लिस्ट में हमने शामिल किए हैं वो है क्रिक ओवरटन, जिन्होंने 3 मैचेस में 4 विकेट निकाले हैं, और आखिरी नाम है ताइमल मील्स का, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं 3 मुकाबले खेलते हुए। तो ये हो गए सदर्न ब्रेव के की प्लेयर्स। अब बात आ जाती है फाइनली कंक्लूजन की कि आखिर ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। तो आपको बता दें कि हेड टू हेड कंपैरिजन पर यहां पर 2 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं और एक एक मुकाबले में दोनों टीम्स ने जीत दर्ज की है। लेकिन अगर पिच पर नजर डाले तो यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने पहला मुकाबला जीता था, तो यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का एक बार फिर से पलड़ा भारी नजर आ सकता है। लेकिन अगर टीम्स की बात करें दोस्तों तो सदर्न ब्रेव की टीम यहाँ पर लंदन स्प्रिट पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। वेल, आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।